स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के टॉपिक के बारे में और टॉपिक का नाम है हमारा सीएसएफ। सीएसएफ को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सेरिब्रो स्पाइनल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अलग अलग से मीनिंग। सेरिब्रो का मतलब क्या होता है, स्पाइनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेरिब्रो एंड स्पाइनल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेरिब्रो एंड स्पाइनल। सेरिब्रो का मतलब क्या होता है, हमारा ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, हमारा स्पाइनल। सेरिब्रो का मतलब भी बता दिया मैंने, स्पाइनल का मतलब भी बता दिया। स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये क्या होता है, क्लियर होता है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। क्लियर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। सर्कुलेट कहाँ पे करता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, सब आर्कुलोइड स्पेस और सेंट्रल गैला। ठीक है, सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और सब आर्कुलोइड स्पेस। इनके अंदर क्या करता है सीएसएफ है, वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। देन हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सीएसएफ। सीएसएफ होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी में आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है इसका, 100 से 200 ml। उसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, वॉल्यूम कर लिया हमने, 100 से 200 ml हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.005, ये इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होता है इसका, एल्कलाइन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन देखें, अगर एक मिनट में देखेंगे हम तो 0.3, एक मिनट में कितना होगा, 0.3। ठीक है, अगर हम एक दिन की बात करें तो दिन में कितना होगा, 600 से लेके CSF की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन में वॉटर और सॉलिड। ठीक है, एक वॉटर स्टेज होती है इसकी, देन सॉलिड स्टेट होती है। जो वॉटर होता है, वॉटर होता है 99.38%। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें 87%। ठीक है, वॉटर देख लिया हमने, सॉलिड देख लिया। जो सॉलिड है वो दो के अंदर डिवाइड होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे, जैसे कि हमारे प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, शुगर, ठीक है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारा, लैक्टिक एसिड, केराटिन, सही बता रहे हो, केराटिन, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आएंगे, आयंस आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्लोराइड, फॉस्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये आता है हमारा इनऑर्गेनिक के अंदर। तो कंपोजिशन को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर मान लो CSF है वो स्पाइनल फ्लूइड के, सॉरी CSF है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ लिम्फोसाइट हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देन डिस्कस करेंगे CSF की हमने कंपोजिशन देख ली। कंपोजिशन के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे बताओ आगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, इंट्रोडक्शन हो गया, कंपोजिशन होगी, फ्लो भी डिस्कस कर सकते हैं हम कि फ्लो कैसे करता है, प्रोडक्शन कैसे होता है CSF का, ठीक है। उस कंपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे कि CSF है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ CSF है वो कैसे बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बताएंगे सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सस, फॉर्म्ड बाय द, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में इससे रिलेटेड, कोरोइड प्लेक्सस होती हैं वो क्या करेंगी, इसको बनाने का काम करती हैं। उसके बाद क्या होगी, कोरोइड प्लेक्सस क्या होती है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, ये क्या होती है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कॉल्ड बाय पायामेटर, जो क्या होती है, पायामेटर से कवर्ड होती है, ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ये, किसका होता है, हमारे कैपिलरीज का, पायामेटर से लगा लो, या हम क्या बोल सकते हैं, एपेंडाइमल सेल, ठीक है, ब्रेन के सेल्स होते हैं ये, एपेंडाइमल सेल इनसे कवर होती है, ठीक है। CSF क्या होता है, CSF इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, CSF इज ए टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो CSF होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का टाइप होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो जो CSF है हमारा वो किसका टाइप है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का टाइप होता है, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू CSF क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है। और किसके थ्रू करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, फ्लो ऑफ CSF एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू CSF का फ्लो करता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होगा, CSF फ्लो करेगा, ठीक है। और जब CSF फ्लो करेगा तो तीन सोडियम के आयन, ठीक है, बाहर जाएंगे और एक पोटेशियम का आयन है वो क्या होगा, अंदर आएगा, ठीक है। तो तीन सोडियम के आयन है वो आउट बाहर जाएंगे और दो पोटेशियम आयन है वो क्या होंगे,
अंदर आएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बता दिया कि सोडियम के आयन कितने अंदर आएंगे, पोटेशियम के आयन है वो कितने बाहर जाएंगे, ठीक है, एटीपी के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, सीएसएफ बन जाएगा और सीएसएफ हाउ वेंट्रिकल के अंदर फ्लो करेगा, लाइक सीएसएफ एंड फ्लो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन देख ली हमने कि सीएसएफ है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, देन हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे फ्लो करेगा वो, पहले कहां जाएगा बाद में कहां जाएगा, उन चीजों को डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, फॉर्मेशन को हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, फ्लो कि सीएसएफ है वो कैसे फ्लो करता है, फ्लो ऑफ सीएसएफ। सबसे पहले सीएसएफ कहां जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ इन द लेटरल वेंट्रिकल, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ इन लेटरल वेंट्रिकल के अंदर बन रहा था। लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ कहां पे जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ कहां पे जाएगा, फोर्थ, बताऊंगी किसके थ्रू जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ हमारा कहां पे जाएगा, दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे, दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एक तो दो तो हमारी सॉरी तीन ओपनिंग प्रेजेंट होती है हमारी, दो तो प्रेजेंट होती है हमारी अपर पोल के ऊपर और एक प्रेजेंट होती है हमारे लोअर पोल के ऊपर। ये बता देती हूँ, फॉर्मेशन है लेटर वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, किसके थ्रू आएगा, फोरामेन ऑफ क्या बोल सकते हैं, मोनेरा या इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। मोनेरा या इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू किस में आएगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के। दो ओपनिंग बता दी मैंने, अपर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, लोअर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो अपर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ, एक को फोरामेन ऑफ लुस्का बोलेंगे, दूसरे को फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ठीक है, जो फोरामेन ऑफ लुस्का है, फोरामेन ऑफ मैगेंडी है, ठीक है, जो लुस्का है उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट्राई मैग्ना। ठीक है, और जो फोरामेन ऑफ मैगेंडी है उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्ट्राई लेटर। साथ साथ लिखते रहो अगर नीचे से नहीं दिख रहा है तो, सिस्ट्राई ऑफ मैगेंडी, सिस्ट्राई ऑफ लेटरस, ये दोनों क्या कहाँ पे जाएंगी, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल कैनाल या सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलके सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या सबाल्बिकल स्पेस, ठीक है, यहाँ पे सी एस एफ जाएगा, यहाँ से सी एस एफ है, देन वो सी एस एफ कहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल कैनाल में चला गया, सेंट्रल कैनाल में जाने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, आर्कुलर ग्रैन्यूल्स के अंदर जाएगा। आर्कुनोइड ग्रैन्यूल्स के बाद जो सीएसएफ है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे सुपीरियर सेजाइटल साइनस के पास जाएगा, सुपीरियर सेजाइटल साइनस।
सुपीरियर से डेटा साइंस के पास चला गया, देन हमारा सीएसएफ हमको क्या करेगा, हमारा सीएसएफ का डी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जितना सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा उतना ही सीएसएफ का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो सीएसएफ क्या होगा, हमारा डी एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले सीएसएफ की फॉर्मेशन हुई, सीएसएफ की फॉर्मेशन होने के बाद सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में गया, देन फोर्थ वेंट्रिकल में गया। फोर्थ वेंट्रिकल से दो होल ओपन हो रही थी, अपर होल एंड लोअर होल, उनसे जो सीएसएफ है वो सब आर्कुलर स्पेस के अंदर गया, सब आर्कुलर स्पेस से वो आर्कुलर ग्रैन्यूल्स के पास गया, फिर सुपीरियर से जाइटल साइनस के पास, देन सीएसएफ का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। जितना सीएसएफ है वो प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही सीएसएफ का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये था हमारा फ्लो ऑफ द सीएसएफ की, सीएसएफ का फ्लो है वो क्या होता है, सीएसएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, सीएसएफ की कंपोजिशन क्या होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, सीएसएफ फ्लो कैसे होता है, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।